इनके चाहने वालों ने इन्हें गॉड मदर कह के बुलाया। दहशत इतनी कि बड़े से बड़ा आदमी इनका नाम सुनते ही कांप उठता था। बात हो रही है संतोख बेन जडेजा की, जिन्होंने जुर्म की दुनिया में ईंट से ईंट बजा दी थी। संतोख बेन का जन्म 1949 में गुजरात के पोरबंदर के कुटियाना तहसील के कंसाबाद गांव में हुआ। उनका बचपन बहुत साधारण था, सिर्फ तीसरी कक्षा तक उनकी पढ़ाई हुई। संतोख बेन एक प्यार से बात करने वाली और शर्मीले मिजाज की औरत थी। वो मिसाल बनी लोगों के लिए जब उन्होंने अपने पति की मौत के बाद अपने चारों बच्चों को पाला। लेकिन इसके साथ साथ वो 102 गुंडों की सरदार भी थी। जिस शहर में गांधी जी ने जन्म लिया था उसी शहर की गॉड मदर थी संतोख बेन। उनके राज में शहर की नालियों में पानी नहीं खून बहता था। लेकिन सवाल यह होता है कि आखिर वो ऐसी कैसे बनी। संतोख बेन एक बहुत साधारण सी औरत थी। उनके पति सरमन मुंजा जडेजा पोरबंदर में ही मौजूद एक मिल में काम करते थे। इस साधारण से परिवार की कहानी बदलना तब शुरू होती है जब एक दिन इस मिल के मजदूर हड़ताल कर देते हैं। इस हड़ताल को तोड़ने के लिए मिल का मालिक एक लोकल गुंडा जिसका नाम देवू वगैरह था उसको हायर कर लेता है। और जब देवू वगैरह इस हड़ताल को खत्म करने की कोशिश करता है तो सरमन जडेजा एक दिन गुस्से में आके उसको मार डालते हैं। संतोख बेन इस समय भी घर के कामकाज और अपने चारों बच्चों को संभालती थी। अब सरमन जडेजा जुर्म की दुनिया में घुस जाते हैं। लेकिन दिसंबर 1986 में काला केशव गैंग द्वारा एक दिन सरमन जडेजा को गोलियों से भूनकर मार दिया जाता है। यहां से संतोख बेन जो अब तक एज ए हाउसवाइफ काम करती थी अब उनकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू होता है। उनकी आंखों में बहुत गुस्सा था और उन्हें अब अपनी पति की मौत का बदला लेना था। संतोख बेन अब अपने पति के गैंग के लोगों को दोबारा इकट्ठा करना शुरू करती हैं और देखते ही देखते संतोख बेन का खौफ लोगों में बढ़ना शुरू हो जाता है। बदले की आग में जल रही संतोख बेन अपने गैंग की मदद से 14 के 14 लोगों को मरवा देती हैं जिन पे उन्हें अपने पति के कत्ल का शक था। तस्करी, वसूली या फिर फरौती, हर काम संतोख बेन के एक इशारे पे होता था। इसके साथ साथ पोरबंदर में होने वाला कंस्ट्रक्शन या फिर ट्रांसपोर्ट, हर चीज पर संतोख बेन का शिकंजा कसा हुआ था। अब उनकी पकड़ इतनी अच्छी थी कि 1979 में उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम जनता दल था एक प्रत्याशी के रूप में विधानसभा के चुनाव में खड़ा करती है जिसे वो जीत जाती हैं। 1990 से 1995 तक वो जनता दल के एमएलए के रूप में काम करती हैं। उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल से उनके राजनीतिक रिश्ते काफी मजबूत थे। फिर 1996 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। सरकार बदली तो साथ साथ समय बदला। अब संतोख बेन को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। वो अहमदाबाद जेल में पूरे 16 महीने गुजारती हैं। जेल से छूटने के बाद संतोख बेन का दबदबा कम हो जाता है। उनकी ताकत का डंका जो 1986 से 1996 तक खूब शोर करता है अब हल्के हल्के फीका पड़ने लगता है। 2006 में संतोख बेन के बेटे करण को अपनी भाभी रेखा के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन बाद में कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। फिर 31 मार्च 2011 में हार्ट अटैक की वजह से गुजरात के पोरबंदर में संतोख बेन जडेजा की मृत्यु हो जाती है। वो 62 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देती हैं। मृत्यु के समय उनकी नेटवर्थ 28 करोड़ थी।